मेरा नाम सिकंदर कुमार है। देखिए लिखा गया दोस्तों, बिल्कुल देख सकते हैं लाइव है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिष्का टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के वॉइस टाइपिंग से अपने पीसी में हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने पीसी में इंटेल की तरफ से दी जाने वाली इंटेल रिमोट कीबोर्ड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा और अपने मोबाइल में इंटेल रिमोट कीबोर्ड ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इन दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की हुई सॉफ्टवेयर विंडोज 7, 8, 10 और 11 चारों में काम करती है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम मेरे चैनल पर कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। विश्वास के लिए आप मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो के व्यूज देख सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ। इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन से 32 बिट या 64 बिट के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और एक मोबाइल एपीके है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। जिनको नहीं पता है कि उनका पीसी 32 बिट का है या 64 बिट का है, वो अपने पीसी में दिस पीसी या माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है। तो आपका जो भी है यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि मेरा पीसी 64 बिट का है तो मैं यहाँ इंटेल रिमोट कीबोर्ड का 64 बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। अगर आपका पीसी 32 बिट का है तो आप 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करता हूँ और ये इंटेल रिमोट कीबोर्ड का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब आप यहां अपने पीसी का कोई भी नाम रख सकते हैं। मोबाइल से कनेक्ट करते समय यही नाम आपके मोबाइल में शो होगा। फिर यहां नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम ले सकता है और फिर CMD में अपने आप कुछ कमांड रन होगा और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर टिक रहने दीजिए और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि इंटेल रिमोट कीबोर्ड ओपन हो चुका है और टास्क बार में इसका आइकन भी आ चुका है। तो आपके पीसी का काम लगभग हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाइए। फिर आपको डिस्क्रिप्शन से मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है और फिर अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। फिर आपको यहाँ APKS का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको दिख जाएगा रिमोट कीबोर्ड ऐप, इस पर क्लिक कीजिए। हो सकता है कि आपको ये अननोन सोर्सेस इनेबल करने के लिए कहा जाए, तो सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और इसे इनेबल कर दीजिए और फिर बैक बटन पर क्लिक कर दीजिए और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद डन पर क्लिक कीजिए, फिर बैक हो जाइए, फिर बैक हो जाइए। आप देख सकते हैं कि इंटेल का रिमोट कीबोर्ड आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है और आप देखेंगे कि इंटेल का रिमोट कीबोर्ड आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया होगा। इसको ओपन कीजिए और ये चारों परमिशन ऑन रहने दीजिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। फिर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कीजिए। आपका डाटा ऑन हो या ना हो इससे इसको कोई भी मतलब नहीं है। अब आप अपने पीसी का वाईफाई ऑन कीजिए। अब आप कहेंगे कि लैपटॉप में तो वाईफाई होता है लेकिन डेस्कटॉप में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये USB वाईफाई मात्र 150 रुपए में आपके लोकल मार्केट के कंप्यूटर शॉप में मिल जाएगी। इसे सिंपली अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा दीजिए, आपका डेस्कटॉप में वाईफाई चालू हो जाएगा। अब वाईफाई कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं कि आपने इंस्टॉल करते समय जो अपने पीसी का नाम रखा था वो आपके मोबाइल में शो होने लगा है। इस पर क्लिक कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके पीसी स्क्रीन पर एक QR कोड शो होगा, उसको अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिए। ये सिर्फ पहली बार ही होगा और आप देखेंगे कि आपका मोबाइल आपके पीसी का रिमोट बन चुका है। आप अपने मोबाइल से ही अपने पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसे माउस की तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको MS Word में अपने मोबाइल के वॉइस टाइपिंग से हिंदी में टाइपिंग करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड में हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए और फिर माइक बटन पर क्लिक कीजिए और बोलिए, मेरा नाम सिकंदर कुमार है। लिखा गया दोस्तों, बिल्कुल देख सकते हैं लाइव है।
मैंने आपको आज बताया कि आप कैसे अपने कंप्यूटर में मोबाइल के वॉइस टाइपिंग से कंप्यूटर में आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये काम कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं जो जो बोल रहा हूँ वो मेरे पीसी में टाइपिंग होते जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक दिक्कत आ सकती है कि आपका वॉइस टाइपिंग इंग्लिश में हो रहा है और आप चाहते हैं कि बिना डाटा ऑन किए टाइपिंग हिंदी में हो, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल का सेटिंग ऑन कीजिए और फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और नीचे गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फिर सबसे नीचे आइए और लास्ट वाले ऑप्शन सेटिंग फॉर गूगल एप्स पर क्लिक कीजिए, फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन सेटिंग असिस्टेंट एंड वॉइस पर क्लिक कीजिए, फिर वॉइस पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्निशन ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, फिर ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फिर हिंदी भारत लैंग्वेज ढूंढिए और इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में हिंदी भाषा आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब अपने मोबाइल में हिंदी वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।